नमस्कार, मैं उगलव शाह और आप देख रहे हैं दिल्ली 99। वंदे भारत एक्सप्रेस की अटकलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल नई दिल्ली से वाराणसी जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर सरसौल स्टेशन के पास अचानक पथराव कर दिया गया। बता दें कि इस हाई स्पीड ट्रेन पर एक ही दिन में दो बार पथराव किए गए हैं, जिसके बाद से रेलवे बोर्ड में हड़कंप मच गया है और GRP और RPF को तुरंत कार्रवाई के आदेश दे दिए गए। इस पथराव की वजह से फुल स्पीड ट्रेन के 10 कोचेस पर पत्थर लगे, जिससे खिड़कियों के कांच टूट गए। इससे कोच के अंदर भी भगदड़ जैसे हालात बन गए। लगभग 7 मिनट बाद जब आवाज़ें थमी तो गार्ड और ड्राइवर ने कानपुर सेंट्रल को सूचना दी, और जिसके बाद RPF और GRP और जिला पुलिस मौके पर पहुंची, और इसके बाद वापसी में एक बार फिर इन हमलावरों ने ट्रेन को अपने निशाने पर लिया और वाराणसी से दिल्ली जा रही ट्रेन पर पत्थर फेंके गए। ट्रेन ड्राइवर ने रेलवे कंट्रोल रूम को दोबारा सूचना दी, जिसके बाद RPF टीम मौके पर रवाना हुई और इसके बाद कानपुर सेंट्रल से ट्रेन 27 मिनट बाद आगे रवाना की। GRP ने सुबह हुए पथराव में 3 युवकों को हिरासत में ले लिया है और तीनों से पूछताछ जारी है। आखिर उनकी इस हरकत की वजह क्या थी? और खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए दिल्ली 99।